हाँ फिट आ गया तो ठीक है ले लूंगा। ये हमारी गाड़ी है। और यहाँ मैकेनिक गिरी हो रही है। इसलिए एसबीआई पापा कहते हैं एसबीआई का बैंक में काम कराना फिर आपके बस की नहीं है। ये मेरा एक जूता और एक मेरा की जूता। ये जूता मात्र मेरा 3 दिन फट गया और जब मैं बाइक में गियर शिफ्ट कर रहा था ना तो ये गियर शिफ्टिंग से फटता। अब ये जूता नया ले आऊँ, अब अगर इसे चेंज करूँगा तो पक्का ये भी फटेगा। अगर मैं दोबारा ऐसे चलाऊंगा ना तो पक्का नया जूता खराब हो जाएगा। तो मेरा जूता फट गया बेटा, तो अभी इसमें कुछ जुगाड़ करते हैं। उससे पहले चलता हूँ, एक हेलमेट लेके आना पापा के लिए, मेरे दोस्त है क्योंकि कहीं जाना है, तो मेरा जो हेलमेट है वो खराब हो रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हेलमेट पहनने से क्या होता है? अच्छा लगता है, सेफ्टी होती है ना। क्या होता है, सर में चोट नहीं लगता? कैसे मारू? आई 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 इतना गंदा हो गया। ये हेलमेट तो है मेरा और एक हेलमेट मैं लेके आऊँ, जब ये हेलमेट मैं ट्राई करूँगा और अच्छा लग गया। अच्छा तो मुझे लग रहा है, लाइट वेट है और इससे तो बेस्ट है, तो पापा भी ट्राई करेंगे। अगर वो सही लगा फिटिंग में तो फिर मैं एक नया वो ले लूँगा पापा के लिए। अरे स्क्रैच आ जाएगा, वो स्क्रैच आ जाएगा, मत करो। ठीक है टाइट है क्या? ठीक है ना, बस ठीक है। बांध इसको, लगा लो स्ट्रैप को, लगा लो। ठीक है सही लग रहा है। हाँ फिट आ गया तो ठीक है ले लूँगा। जिस काम से गए थे काम तो हो गया, पर एक कंपनी की बाइक में ना जो पहले काम किया था वो तो ठीक हो गया, पर ऊपर का एक बोल्ट था वो शायद स्लिप स्लिप था, टाइट किया हुआ था, तो वहाँ से ना हल्का सीलन आ रही है पैकिंग से। ये पूरा यहाँ से लीक है, तो ये बोल्ट की वजह से लीकेज में लग रहा है, सीलन आ रही है, पैकिंग कहीं से लीक कर रही है, जो भी है वही निकल देख लो। 2 दिन भैया ने चलाया पूरा, तो बैटरी ड्रेन नहीं हुई। उसके बाद जैसे भैया मैं लेके गया ना घर पे कि मैं ड्यूटी, जैसे मैं सोचा ड्यूटी बाइक से जाऊंगा एक लास्ट टाइम एंट्रेंस के समय, तो पर बाद में गाड़ी का डिसाइड होगा। आज निकल रहा था देखा तो बैटरी सेल्फी ले रही, सेल्फ ले रहा हूँ वही बैटरी डाउन हो जा रही है, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो वही है, बैटरी चेंज होगी। एक प्रॉब्लम से ही होती है दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में आनी है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। कुछ लोग ना अपनी चीज़ भूल जाते हैं, हमारे देश में ही है। इस बंदे से लिया था कल भी उसने मांगा नहीं और कल भर पूरा इसको मैंने यूज किया, ठीक लगा। इसमें एक और एक शिफ्टर मॉडल भी आता है वो अच्छा लग रहा है, तो ये वाला साथ मैंने मम्मी पापा को पूछ लिया, मम्मी पापा को पसंद आ रहा है होगा तो ये लूँगा, और नहीं तो फिर एक और कोई मॉडल है वो देखूँगा। पर ये यूज किया मैंने, इसको यूज किया मुझे ठीक लगा। और लाइट तो बहुत है, पहले ना इतने स्टार्ट के लाइट नहीं था, अब इसके लाइट वेट में और टफ भी है, तो अब इसको देने चलता हूँ। वो बंदा को मैंने फ़ोन भी किया कल, तो कल तो आया नहीं तो अभी आ रहा है, तो उसको दे देता हूँ, उसका निकलते हैं। कल मेरी बैटरी चेंज हुई, भैया से पूछते हैं क्या हुआ, बैटरी चेंज हुआ क्या होगा उसमें? बैटरी बस उसको चेक किया जाएगा कि उसमें प्रॉब्लम क्यों आई है। दोनों बैटरी खराब हो गई, पता है खर्चे बढ़ते, एक लगते खर्चे फिर दोबारा खर्चे बढ़ जाते हैं, मतलब खर्चे पर खर्चा है। फोन बच गया भैया आपका, काम तो हुआ नहीं, पर एक इस बार बैंक मैनेजर ने मुझे ना ये स्टेटमेंट निकाल के दिया। पिछले बार भी आया था, पिछले बार के चक्कर में वही घूमता रहा, पर इस बार मैनेजर सही थी जो इतना कर दिया, पर पासबुक अभी भी नहीं मिली है। इसलिए ना वो SBI पापा कहते हैं SBI का बैंक में काम कराना, यानी तो सोच लो अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर आपके बस की नहीं है, आपसे काम नहीं करा सकते कभी भी SBI में। ना सर्विस की पर्पज़ से मैं यूज़ करना पड़ता है जो गवर्नमेंट में वो मांगते हैं, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम तो ऐसे बंद ही करा दूँगा। अभी किस्मत सही थी, भैया बता रहे थे ट्रैफिक वाले उठाने आए थे बाइक को भाई, हमें पता नहीं था पार्किंग, मतलब बैंक के पास से पार्किंग नहीं है, और जैसे लगाया वैसे थोड़ी देर में वो ट्रैफिक वाले आए थे क्रेन उठाने के लिए। और अब प्रॉफिट की तो होना पता ही, गवर्नमेंट को जाना है, चलान कटने तो क्या करोगे भाई, यही होता है। कौन हमारा स्मार्ट भाई, ये देखो रे क्या बात है, स्मार्ट लग रही है। चश्मा किसका? ये तो मेरा है। कौन से बैंक में अकाउंट खुलवा लो भाई? ये कह रहा है पासबुक दे के जाएंगे, आप पासबुक एंट्री ना करवा। नहीं मैंने ऑनलाइन कर लिया, ऑनलाइन ना आसान लगा, मैं पहले कर नहीं डर के मारे, अभी जस्ट मैंने अभी किया ना तो मुझे बहुत इजीली लगा, मतलब प्रोसेस पहले से बहुत बेस्ट है भाई। सारे सरकारी बैंक ऐसी है डीलर, डीलर नहीं मेरे गाँव में यूको बड़ा अच्छा है, PNB अच्छा है, मतलब बंदे सही काम करने वाले थे, बैंक खराब नहीं होता, बंदे काम करने वाले सही होने थे। वो मैनेजर ने काम किया, लेडीज थी मैनेजर, उसने मेरा 2 मिनट में काम करा दिया, और पहले जाता था ना काम कराने वो सुनती नहीं थी, मतलब इतनी स्टाफ थी। तो यार ये मैडम थी मैनेजर थी वो सही थी, बाकी तो मैंने देख लिया कोई काम, पर उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन यूज करो, ऑनलाइन ईजिली होगा। अब ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ ना, अभी ट्राई किया, जस्ट अभी लॉग इन किया है, तो मुझे ना पहले मैंने लिया था पासवर्ड, तो मैं यूज नहीं कर रहा था, जस्ट अभी किया ना
तो बहुत इजीली लगा, मतलब सही था चलाने लगा, थोड़े दिन चलाऊंगा समझूंगा तो और अच्छा रहेगा। तो तू मिल रहा है, तू था आए थे ऑफिस भाई, बंदा पैसे वाला हो गया, गोप्रो क्या साला आईफोन 7 11 12 15 साला 16 17 सब ले लेगा ये बंदा, पैसे की कमी नहीं। कितनी गाड़ी है तेरे पास? महिंद्रा की है, ये आइटम जी बता बंदे भाई, ये बता रहे कितनी गाड़ी है बता, हमारा भाई का भाई बहुत। ये को ये कब ली तूने? ये ब्याज पे इतना रखी भाई, पैदा हुआ था यार, कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ इसका, वो टूट गया क्या? हाँ पूरा टूटा पड़ा यार, ये देखो ना जहाँ से टिकता वो भी टूट गया और चीज खत्म हो। अरे यार तू लोहे का था ना, ये प्लास्टिक नहीं, ये प्लास्टिक का था, इसके ऊपर टिका हुआ था। बंदा सेफ रहा था? हाँ बंदा तो सेफ है, उस तरफ से भी लगी पड़ी थी उसको यार, तो वो उसी दिन कह रहा हूँ भूल जाता हूँ भाई का, पूरा टूट गया, ये नथ लाइन में चल जाता है। ये भाई का खर्चा तो अच्छा लंबा हो गया, कितने पूरा ही खत्म है, कितना खर्चा आ गया देखो ना, ये खत्म, ये पूरा कंप्लीट आया, ये पूरा कंप्लीट आया मुझे लग रहा है, ठीक है हैंडल, ये हैंडल खत्म, ये खत्म, ठीक है। पीछे से भी पीछे से बैक टेल टेढ़ी हो गई, इसलिए कहता हूँ कभी भी ड्राइव करो या राइड करो थोड़ा सेफली करो। देखो बंदा कोई और था, अब जो भी है करा कि वो भी से वो तो भग गया, जिसको मारना होता ना टक्कर मार के भग गया, लग गया। बस ये है कि बाइक डैमेज हुई, किसी बंदे को नहीं लगती है ना, तो यार ठीक है, क्योंकि देखो सामान का क्या आज ना कल भाई तो रिपेयर करवा लेगा, पर किसी इंसान को लगती है चोट तो उसका बहुत यार बड़ा दुख होता है कि यार बंदा का पैर हाथ टूटे। मैंने एक दो बंदे को देखे यार, जब चोट वोट लगती है ना तो प्रॉब्लम छोटी क्यों ना चोट हो, फैमिली को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर वो काम करने वाला है या कहीं है, तो इसलिए टू व्हीलर पे या कार में जब भी ड्राइव करो बड़ी सेफली ड्राइव करो, चाहे जैसे भी करो जहाँ भी जाओ, रात को तो अवॉइड करो राइडिंग, दिन को है तो इस टाइम से निकलो, इतनी स्पीड में रखो, हाईवे है तो कौन सी आपकी लाइन है उस लाइन में चलते रहो, ज़्यादा कोई नहीं है कि जल्दी भगने की है, कोई जल्दी भगके में कहीं जाना है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। खुल गया ना? खुल भी गया, तो मैंने कहा था खुल जाएगा राम जी, ज़्यादा नहीं ऊपर से खोल तो ब्रैकेट खुल जाता, पर ऐसी पार्किंग बंद गाड़ी कितनी खड़ी, एक दो तीन गाड़ी तो आ जाएगी ना? हाँ तीन खड़ी होती है, तीन गाड़ी खड़ी होती है। अरे बाइक ही बाइक, ये ठीक है, इसने बड़ा सही रखा है, पहले से स्कूल बच्चे खेलते थे ना, स्कूल बंद पड़ा है इसलिए थोड़ा ये यहाँ पीछे और भी गाड़ी खड़ी थी, वो है ना अच्छा, उसके वजह से अच्छा वो बच्चों के लिए बना रखा है खेलने वेलने का, चार गाड़ी का स्पेशल, चार गाड़ी का बंद कर रहे भाई, दम घुट गया दो मिनट के अंदर, इसलिए पास डीजल नहीं लेनी, पेट्रोल गाड़ी लेनी है, नहीं पेट्रोल नहीं सीएनजी लेनी है भाई। बंदे ने अपने घर पे जो ऐसे कहते हैं रखने का तरीका होना चाहिए बाइक को, कितने प्यार से अपने कमरे में खड़ी है, वैसे कमरे में तो नहीं कह सकता, ये क्या कहते हैं क्लास कह सकते, क्लास कोचिंग जो भी है वो है अपना ये चाहिए पार्किंग अपनी भाई, इतना खुश रहता घर में, ये वाले ठीक है। हाँ।